दोस्तों, मनुष्य जाति के लौड़े लगे हुए हैं। रोज कोई ना कोई मुसीबत आके मनुष्य जाति की गांड मार रही है। तो इस मुश्किल समय में भी एक परेशानी हमारी गांड में घुस गई है, जिसका ना हमको अगवाड़ा पता है ना कोई पिछवाड़ा पता है। तो आइए आपका परिचय करवाता हूँ उस शख्स से। बिनोद। क्या वीडियो चालू हो गई साले? बोलो तो। तो दोस्तों, कोरोना की दवाई मिल नहीं रही। दुनिया पर हर रोज एक नई मुसीबत आ रही। कभी टिड बन के आ रहे, कभी ऊपर अंतरिक्ष ग्रह सीधा जमीन पर आ रहे। इस मुसीबत के माहौल में एक नई मुसीबत आन पड़ी है, जिसका नाम है विनोद। कौन है ये विनोद, कहां से आया है? ये तब की बात है जब मैं घर पे बैठा था। घर पे बैठे बैठे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहा था। इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट सेक्शन में मैं ये देखता हूँ। विनोद ये कहा है? कमेंट छोड़ के मैं लाइव सेशन पे गया, मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव गया, पर ये दुनिया इतनी जालिम है कि पब्लिक ने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। म्यूजिक। इंस्टाग्राम लाइव में मरवाने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने दोस्त को फोन किया। कोरोना वायरस या कोविड 19 से आज पूरा देश लड़ रहा। हेलो। और भाई कैसा है? बस भाई, विनोद जैसा। भोसड़ी के फोन रख। उसके माँ का विनोद। बॉलीवुड में विनोद, हॉलीवुड में विनोद, पूरे ब्रह्मांड में विनोद। अजय भैंसोद, ये विनोद है कौन और कहाँ से आया है? अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो हार्ड वर्क जाए मत जाने, विनोद बन जाओ और सक्सेस के साथ में आसमान पे पहुंच जाओ। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मेरी तरह आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये विनोद है कौन और जिन लोगों ने विनोद को फेमस किया है कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन विजय माचुदा ने आज तो पता लगा कर ही छोड़ेंगे कि आखिर ये विनोद है कौन। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि विनोद मुझे कहां कहां देखने को मिला। पहले तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, फिर दूसरे यूट्यूबर की कमेंट सेक्शन में, फिर आते हम मीम की और। हाँ तो पागल हो ही जाएंगे ना, एक ही चीज को बार बार देखेंगे तो कान फट जाती है यार। वाह बेटी चोद, इसको भी विनोद। अब तो आधार कार्ड पे भी बस एक ही नाम होगा, विनोद। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विनोद नाम के लड़के से, मैं विनोद ही हूँ। अगर इसका भी नाम हम विनोद रख दे तो इसकी शादी क्या इससे करवा दे? हाँ, माना कि इंडिया की पब्लिक किसी को भी एक रात में फेमस कर सकती है। अगर किसी लड़की ने आंख मारी तो पब्लिक पूरी पागल एक ही रात में उसको फेमस कर देगी। मैंने भी आंख मारी थी, पर मेरे तो लंड पे जूते पड़े थे भाई साहब। एक लड़की ने आरसीबी को सपोर्ट किया, उसको ब्लू टिक दिलवा दी। मैंने भी आरसीबी को सपोर्ट दिया था, मादर चोदों ने एक सीट भी नहीं दी थी। तो भाई सुनो, ऐसे लोगों को फेमस करते हैं मीम और मीम बनाने वाले लोग। ये लोग अपना दिमाग लगा के ट्रेंड को फेमस करते हैं, लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं। मीम और मीमा हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट है जो हमें दो पल के लिए हंसाता है। इन सब बात को अब साइड में रखते हैं और आते हमारे मेन पॉइंट पे कि ये विनोद है कौन। तो ये घटना है एक यूट्यूबर की जो अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था। उसको अपने कमेंट सेक्शन में कुछ अजीब गरीब कमेंट दिखी, तो ये बात उसने अपने ऑडियंस के साथ शेयर की। बट अपने ऑडियंस तो बहुत क्रिएटिव है, सिर्फ विनोद को बना दिया विनोद स्टार। बस यही कहानी थी जो आपको सुनानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दो, फैला दो जल्दी से, और हमें भी फेमस कर दो विनोद की तरह, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। थैंक यू, लव यू ऑल।